रघु के पापा जी की गाड़ी थी। वो बाजार के बीचों बीच होने के कारण सभी लोग उसके पाव भाजी के ठेले पर पाव भाजी खाने के लिए आया करते थे। तभी आनंद रघु से, अरे रघु भाई, मेरे लिए बढ़िया एक चीज पाव भाजी बना दो। हाँ भाई, अभी बना देता हूँ। रघु आनंद को गर्मा गर्म चीज पाव भाजी बना कर देता है और आनंद रघु से, अरे रघु भाई, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। मैंने ऐसी स्वादिष्ट पाव भाजी आज तक नहीं खाई। रघु के ग्राहकों को रघु के हाथ की पाव भाजी बहुत पसंद थी। उसकी पाव भाजी का स्वाद दूसरे दुकानों या फिर ठेलों पर ना मिलने की वजह से रघु के ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। रघु पाव भाजी बनाने की सामग्री के लिए सुबह जल्दी उठकर सब्जी मंडी जाया करता था और ताजी सब्जियां लाता था और घर जाते समय रघु मक्खन खरीदता था। इन्हीं सारी अच्छी चीजों से रघु का धंधा अच्छा चल रहा था और उसके खाने में स्वाद भी बहुत आया करता था। रघु अपने पाव भाजी की प्लेट 25 रुपए से बेचता था और उसके ग्राहक भी बड़े चाव से रघु की पाव भाजी खाया करते थे। रघु का एक दोस्त था गिरिधर। गिरिधर बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। वो घर घर जाकर अपने ठेले पर फल बेचा करता था। अगर बहुत से फल बेचने के बाकी रह गए तो रघु के ठेले के पास अपने फलों का ठेला लगवा देता था। रघु और गिरिधर एक दूसरे के सामने आते तो हमेशा ही बातें किया करते थे। तभी एक दिन गिरिधर बातें करते करते रघु से, अरे रघु भैया, आपकी पाव भाजी तो बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। उसका स्वाद तो जैसे मुंह में ही रह जाता है। अरे गिरिधर, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। तुम्हारे फल भी अच्छी तरह से बेचे जा रहे हैं ना? अरे हाँ रघु भाई, मेरे फल भी बहुत अच्छी तरह से बेचे जाते हैं। मैं तो रात के समय ही बाजार में जाकर फल खरीद कर लाता हूँ और दिन भर वही बेचता हूँ। रात के समय बाजार जाने पर मुझे बहुत सस्ते में फल मिल जाते हैं। क्यों ना तुम भी चलो मेरे साथ, हम बाजार में जाते हैं और फल और सब्जियाँ खरीद कर लाते हैं। रघु थोड़ा मन में सोच कर गिरिधर से, ठीक है चलो, तो मैं आज तुम्हारे साथ चलता हूँ। रात के समय रघु और गिरिधर अपना ठेला बंद करके बाजार चले जाते हैं। वहाँ जाकर देखा तो बाजार में बहुत भीड़ थी और सब्जियाँ बहुत कम दामों में बेची जा रही थी। ये देख रघु गिरिधर से, अरे गिरिधर, यहाँ तो सब्जियाँ कितनी सस्ती मिल रही हैं। मैं यही सब्जियाँ सुबह महंगे दामों में खरीदता हूँ। अरे रघु भाई, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ लाया है। देखो अब मुनाफा ही मुनाफा। रघु ने उसको प्रतिदिन लगने वाली सब्जियाँ आधे दामों में खरीद ली और गिरिधर ने भी कल बेचने के लिए कुछ फल खरीद लिए। वो दोनों बाजार से घर चले जाते हैं। अगले दिन रघु ने उन्हीं सब्जियों से पाव भाजी बनाई। लोगों को पाव भाजी में फर्क समझ ना आने के कारण वो बड़े चाव से रघु की पाव भाजी खा रहे थे। ये देख रघु मन में, मेरे ग्राहकों को तो टेस्ट में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, इसका मतलब मैं वही सब्जियाँ लेकर पाव भाजी बना सकता हूँ। रघु अब हर रोज सस्ते दाम से ही सब्जियाँ खरीदता था और उनकी पाव भाजी बनाया करता था। उसके मन में दिन ब दिन लालच आने लगा। रघु का मुनाफा भी बहुत बढ़ने लगा था। ये देख रघु बेहद खुश था। उसकी ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक ना सकी। एक दिन रघु के ठेले पर एक आदमी आया और रघु से, अरे रघु भाई, मैं तुम्हारे ठेले से हर रोज पाव भाजी लेकर जाता हूँ। मेरा परिवार हर रोज तुम्हारी बनाई हुई पाव भाजी खाते हैं। मेरे बच्चों को तो तुम्हारी पाव भाजी खाकर फूड पॉइजनिंग हुआ है। डॉक्टर ने बताया है कि ये सब बाहर की पाव भाजी खाने की वजह से हुआ है। रघु उस आदमी की बातें सुनकर बहुत डर जाता है और रघु उस आदमी से, मैंने तो पाव भाजी अच्छी बनाई थी और बाकी के लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, सिर्फ तुम्हें ही प्रॉब्लम कैसे आया? अरे मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। रुको, मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में ही करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भैया, तुम मेरी बात पर विश्वास करो, मेरी पाव भाजी बहुत अच्छी है। उस आदमी की बातें सुन रघु के ग्राहकों ने अपने हाथ में ली हुई प्लेटें नीचे रख दी और वहाँ से चल दिए। रघु अपने ग्राहकों को जाता देख उनको बहुत आवाज देता है मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता। वो अपने ग्राहकों को जाता देख मन में बहुत उदास हो जाता है और वो खुद को कोसने लगता है कि आखिर उसने गिरिधर की बातें क्यों सुनी। गिरिधर की बातें सुन रघु ने खुद का नुकसान कर लिया था। रघु की स्वादिष्ट पाव भाजी अब लोग खाने के लिए नहीं आते थे। वो मन ही मन खुद को बहुत कोसता था। रघु की लालच की वजह से उसने खुद का नुकसान कर लिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला होती है। जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।
लालच से हमेशा हमारा नुकसान ही होता है। थोड़े से पैसों के लालच में कभी भी अपना नुकसान नहीं करना चाहिए।